दोस्तों यदि आप भी भारतीय टीम को विश्व विजेता बनते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रातों रात कोहली पांड्या पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, अब होगा पाकिस्तान पर वार। तो आखिरकार क्यों अचानक तीसरा T20 मैच छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए भारतीय खिलाड़ी और कैसे महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कोच की जिम्मेदारी को संभालने वाले, जाने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में कौन होगा विश्व कप में भारतीय टीम के लिए सबसे अहम बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस साल के सबसे बड़े T20 इवेंट कप का रोमांच सिर चढ़कर बोल रहा है। अब इस साल के सबसे बड़े मेगा इवेंट के लिए 20 दिन भी शेष नहीं बचे हैं, जिसमें आपको बता दें कि क्वालिफायर्स की शुरुआत 16 अक्टूबर से होने जा रही है, जिसमें भाग लेने वाली 8 टीमों में से 4 टीमें विश्व कप के सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करने वाली हैं। आपको बता दें कि इस विश्व कप के लिए 8 टीमें पहले से ही क्वालिफाई कर चुकी हैं और शेष बची 4 टीमों के लिए मुकाबले बेहद रोमांचक होने जा रहे हैं। ऐसे में हर एक टीम विश्व विजेता बनने के लिए अपनी पूरी जी जान लगाने वाली है। बात करें भारतीय टीम की तो हमने एशिया कप की नाकामी के बाद T20 विश्व कप के डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को घरेलू सीरीज में हराकर वर्ल्ड कप के लिए सबसे मजबूत दावेदारी ठोक दी है। जी हां, हमारी टीम के स्टार बल्लेबाज कोहली से लेकर रोहित शर्मा और राहुल के साथ साथ सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या तक अपनी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और हमारी गेंदबाजी भी अब अपने रिदम में वापस आ चुकी है। और दोस्तों आप सबके लिए एक बेहद ही खुश खबर निकल कर आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी को BCCI ने इस विश्व कप के लिए भारतीय टीम के मेंटोर के तौर पर शामिल किया है। जी हां, सूत्रों से ये खबर निकल कर आई है कि एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के मेंटोर के तौर पर जुड़ने वाले हैं। इस सबसे अहम इवेंट के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कदम रख चुकी है। जी हां, वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कई दिनों पहले ही कर दिया गया था और अब टीम मैनेजमेंट सभी खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया की धरती पर विश्व कप को फतह करने के लिए पूरे जोश के साथ निकल चुकी है। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। BCCI ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि वो मेरा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि इसी कारण हमारे खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह के बिना ये विश्व कप खेलने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये निकल कर आ रही है कि हार्दिक पांड्या के साथ महेंद्र सिंह धोनी भी भारतीय टीम के साथ में जुड़ चुके हैं और वो इस विश्व कप में हमें जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय टीम के विश्व कप के सफर की शुरुआत 23 अक्टूबर को होने जा रही है, जहां उन्हें अपने जानी दुश्मन पाकिस्तान से अपना पहला मुकाबला खेलना है, जिसके लिए हर एक क्रिकेट प्रशंसक के साथ साथ हमारी टीम के सितारे भी बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम विश्व विजेता बन पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।